Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well and staying healthy, enjoying the lovely weather. And hopefully ki meri awaaz bilkul perfect aa rahi hogi aapke paas or you are getting my screen as well. Aapko screen bhi meri nazar aa rahi hogi. So kindly chat box mein mujhe agar update kar dein if everything is all right so we could continue our class. Theek hai? Hum apni class ko shuru karein. Okay, yes, but you must care about the language, mister. Okay, so you remember kal humne ek topic cover kiya tha. We try to make you understand about the use of future tense. Future tense maine aapko samjhaya tha aur future tense ka ek expect tha going to wala, hai na? Us going to ke structure par humne baat ki, if you remember so. उसी से रिलेटेड एक दो एक्सरसाइजेस हैं मेरे पास. पहले हम वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे मैं जो है वो सिंपल प्रेजेंट और पास्ट सिंपल को रिकॉल करूंगा ताकि आप जो नए आने वाले हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वो उसको गेट कर लें. और जो प्रीवियस वंस हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंपल पास्ट, जब हमने वो पढ़ा था क्या पढ़ा था हमने, द वाइस कैलेप, तो उसमें हमने वो बहुत डिटेल डिस्कशन की थी वहाँ. ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट, थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे हम ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, सिंपल प्रेजेंट भी और सिंपल पास्ट भी. अच्छा, ये दोनों चीज़ें मैं ऑलरेडी, आप लोग मुझे बताएं, वी हैव ऑलरेडी डन दिस ना, हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट भी कर लिया, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? वाइस कैलिप नहीं पढ़ाया, सॉरी वाइस कैलिप कह रहा हूँ मैं, इनहेरिटर्स, सॉरी इनहेरिटर्स था, द इनहेरिटर्स में हमने सिंपल पास्ट पढ़ा था, सॉरी हाँ वाइस कैलिप नहीं हुआ, यस इनहेरिटर्स में हमने सिंपल पास्ट पढ़ा था. ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट बीच में जो ग्रामर का टॉपिक कंसिडर किया था हमने उसमें. बहरहाल आप अपने पास एक इंडेक्स जरूर मेंटेन करें ताकि कोई चीज मिस ना हो. यस यस यस, ठीक है, तो सेंस ये है कि कोई चीज मिस ना हो, इसलिए मच बेटर कि आप लोग जो है वो अपने पास होमवर्क करके रखें. और अभी जब हमारी रेगुलर क्लासेस सेंटर में स्टार्ट होंगी आफ्टर 15 इंशाल्लाह, तो फिर आपके पास रजिस्टर में काम सारा मौजूद हो इसका, जो जो चैप्टर्स हम करते रहे हैं. और फिर हमारी वही प्रैक्टिसेस होंगी जो हमारी 9th क्लास में प्रैक्टिसेस थी, कि कुछ का आंसर्स मैं आपको क्लास में करवाऊंगा और तमाम चीजें. ठीक है, तो यू आर सपोज टू राइट डाउन देयर. तो अभी मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ और आपने उसको फिलअप करना है. अगर आपको गोइंग टू का सेंस बिल्कुल क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह. ठीक है, तो मैं आपको वो एक्सरसाइज शो कर रहा हूँ और आपने क्या करना है इसको देखना है. ठीक है, सी दिस एक्सरसाइज. अगर आप कल की बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो फिर आप इसमें बड़ी ईजीली ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. अच्छा, इसमें सिर्फ आपने गोइंग टू वाला काम करना है और कोई काम नहीं करना. तो नंबर के साथ आंसर बताइएगा ताकि क्लियर हो सेंस, और पूरा सेंटेंस बताएंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा. ठीक है, पहला आपके पास ऑलरेडी हुआ हुआ है, 10 सेंटेंसेस हैं, वी विल हैव 10 मिनट्स फॉर दिस. ठीक है, 10 मिनट से ज्यादा हमने नहीं लगाने इस पर. आर यू गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक? ठीक है, ये आपके लिए ऑलरेडी बना हुआ है. यहाँ यूज गोइंग टू, आपने इन सब में गोइंग टू का इस्तेमाल करना है. गोइंग टू से फॉर्मेशन होगी, वर्ब भी मौजूद है, सब्जेक्ट भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग. हाँ, ये जरूर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है. नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंस में बनाइएगा, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव, और क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन के सेंस में. चलिए लेट्स स्टार्ट. सेकेंड का आंसर बताते जाइए. टॉम इज नॉट गोइंग टू बी अ डॉक्टर. यस, वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और आपने बिल्कुल सही बताया. मैं यहां साथ में लिखता भी जाता हूं. ठीक है, टॉम इज नॉट गोइंग टू बी अ डॉक्टर. ठीक है, बी अ डॉक्टर. ठीक है, ये हो गया. ठीक है जनाब, नंबर थ्री बताइएगा. आई एम गोइंग टू बाय सम न्यू शूज. यस, एब्सोल्युटली राइट, आई एम गोइंग टू बाय some new shoes. Okay, fine. Number four. Number four जरा देख लीजिएगा गौर से.
नंबर फोर में आपके पास क्वेश्चन है, नंबर फोर में आपके पास क्वेश्चन है, क्या बनेगा? वेरी गुड, एब्सोल्युटली रबिया, यस जैनब, यस एब्सोल्युटली, क्या बनेगा जनाब? इज पहले आ जाएगा, इसका आई कैपिटल होगा क्योंकि स्टार्ट हो रहा है इसी से, हेलेन क्योंकि नेम है तो उसको भी कैपिटल में लिखेंगे, हेलेन गोइंग टू, थोड़ा सा पंक्चुएशन का ख्याल रखना हमने, कैच द ट्रेन, ठीक है ठीक है, तो इस तरह इज हेलेन गोइंग टू कैच द ट्रेन इज द राइट आंसर। चलें जनाब नेक्स्ट, नंबर फाइव। अच्छा आई वुड अप्रिशिएट यू ऑल, सब रिप्लाई करें, रियाज, जरवशम, ज़ैनब परवीन और रबिया, तजीम और कौन कौन है, सबके रिप्लाई आए ताकि मैं आपके नेम्स भी कॉल करता जाऊं। यहाँ हानिया, अल्तमश, जुनैरा, राहत, नबीरा और महनूर, राहिम, रबिया, ठीक है, जुनैरा रहमान, सब रिप्लाई करें चाहे सही दें गलत दें। वेरी गुड जुनैरा रहमान, हु इज गोइंग टू कैरी द शॉपिंग फॉर मी, यस एब्सोल्युटली, रबिया भी राइट है, ज़ैनब भी राइट है, नबीरा, जुनैरा, राहत, अम्मार, जरवशम, जोहा, राहिम, एवरी वन इज राइट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हु इज गोइंग टू कैरी द शॉपिंग फॉर मी, हु इज गोइंग टू कैरी द शॉपिंग फॉर, ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा जनाब, ठीक है, हु इज गोइंग टू कैरी द शॉपिंग फॉर मी, सही है। जिम एंड डिना क्या होगा, जिम एंड डिना, यस तजीन ज़ारा, गो ऑन, डिम एंड डिना आर नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, रियली आर नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, गोइंग टू गेट, वेरी गुड, परफेक्ट, सही है जनाब, फाइन। नंबर सेवन, सैम, सैम, सैयद राहत, इज किस में आएगा जरा बताओ, राहत, कोई कंफ्यूजन है, राहत इज कहां आएगा, जिम एंड डीना दो है ना, जिम एंड डीना दो हैं, एक मेल और एक फीमेल, तो दो हो गए तो आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा सैम के साथ आएगा, इज गोइंग टू टेक अ हॉलीडे, ठीक है, सैम इज गोइंग टू टेक, सैम इज गोइंग टू टेक अ हॉलीडे, व्हाट टाइम, क्या होगा, व्हाट टाइम, What time are you going to phone me? Yes, Zainab. What time are you going to phone me? Yes. What time are you going to phone me? ठीक है जनाब. Yes. What time are you going? Tazeen, Zainab, or Rabia, Navira, Abdullah, Ashfaq, Zarvasham, Mahnoor. All of you are right. ठीक है, अच्छा साथ में वो भी पूरा सेंटेंस, हानी अल्तमश, परफेक्ट, ठीक है। नंबर नाइन, नंबर नाइन, वेयर आर वी गोइंग टू ईट टुनाइट, यस एब्सोल्युटली, वेयर आर वी गोइंग टू ईट टुनाइट, ओके। नंबर नेक्स्ट, यस महनूर, अब्दुल्ला अशफाक और मोहम्मद रियाज और राहत, हानिया अल्तमश, जुनैरा, रबिया, ज़ैनब परवीन, ठीक है, वेरी गुड। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ बर्थडे प्रेजेंट, ठीक है, आई एम
ठीक है जनाब, ये हो गए तमाम के तमाम सेंटेंसेस, परफेक्ट, वेरी गुड, क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, अपने लिए क्लैप करें। नोट्स देखो रात, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, वैसे सर को मैंने रिमाइंड तो करवा दिया था, इंशाल्लाह होप सो कि जल्द मिल जाएंगे। अच्छा, अब मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं सबको, ये एक्सरसाइज मैं नहीं बता रहा कैसे होगी, तुमने इसको देखना है और बताना है कि ये एक्सरसाइज कैसे होगी। 5 मिनट्स तक सिर्फ इसको करने की कोशिश करो, ठीक है, और उसके बाद फिर वी विल कंटिन्यू। रीड दिस एक्सरसाइज केयरफुली और देखो इसको कैसे करना है, ठीक है, किसी ने कुछ बोलना नहीं है, जस्ट राइट डाउन द एग्जाम्पल, टेक योर टाइम। अच्छा, चाहो तो इसको पेन उसमें करो, किसमें, अपनी नोटबुक में करो और उसका स्नैपशॉट लेके व्हाट्सएप करो। 5 मिनट्स का टाइम है, क्विकली 5 मिनट्स का टाइम है, ठीक है, 5 मिनट्स का टाइम है, लेट्स ट्राई। देखो मैंने इसमें हिंट नहीं दिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ो, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बस समझना है। 5 मिनट्स, टेक योर टाइम, 5 मिनट्स का टाइम है। ओके, आई एम कमिंग बैक। ओके, डिड यू गेट द सेंस, किस तरह हो रही है ये एक्सरसाइज, कोई सेंस मिला, हाउ विल वी डू दैट, किसी ने किया कुछ, डिड यू डू दैट, आई डिडंट गेट एनी मैसेज इन द ग्रुप।
Yes, tell me, and just write down in the chat box, please. What did you get that? Student one, is Rob going to go to India? Student two, yes, he is. Is Molly going to go to India? Student number one, she's not. Very good, perfect, Rabia. Clap for her. She has done well. Bilkul sahi kiya, Rabia ne. She has done it well. Bahut aasan tha, maine kaha tha na. Very good, Rabia. I'm really proud of you. You have done well. Perfect hai, bilkul. चलें जनाब और कोई ट्राई करेगा क्विकली क्विकली सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कोई भी अपेयर इन अ टीवी शो क्या होगा द सेम स्ट्रक्चर विल बी फॉलोड ये डायलॉगिंग होती है आपके ना आपका एक क्वेश्चन है डायलॉग तो ये डायलॉगिंग में आपको बड़ा हेल्प करने वाला है जब आप डायलॉग लिख रहे होंगे मैट्रिक क्लास में एक क्वेश्चन है राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स फादर एंड सन टीचर एंड स्टूडेंट तो वहां आपको ये चीजें बड़ी हेल्प करेंगी बिकॉज यू आर मेकिंग डायलॉग्स हियर ही इज नॉट गोइंग टू अपियर नो 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 रॉब क्वेश्चन बनाना है ना तजीन रॉब ब्राउन नाम लिखा हुआ है रॉब ब्राउन Is Rob Brown going to appear in a TV show? Follow the same structure. Hai na? Is Rob Brown going to appear in a TV show? No, he is not. Is Molly going to appear in a TV show? Yes, she is. Ye structure hai. Isi tarah take part in charity events. Is Rob going to take part in charity events? Yes, he is. Is Molly going to take part in charity events? Yes, she is. तो ये सारी discussion ऐसी चलेगी. Example मौजूद थी आपके सामने. Hope you got this exercise. आप समझ आ गई सबको ये exercise? Easy? Okay, okay. ठीक है. Very good. चलें जनाब. आगे चलते हैं लेट्स मूव ऑन ये तो हमारा क्या था ये हमारा जो है वो हमने इसको डिस्कस कर लिया किसको डिस्कस कर लिया फ्यूचर को डिस्कस कर लिया गोइंग टू के साथ भी और बेल के साथ भी यस नवीरा वेरी गुड बिल्कुल परफेक्ट है यस वेरी गुड यू डिड इट शाबाश ठीक है इस तरह हम ये बाकी भी 1 to 8 सारे ये कर सकते हैं तो दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर ठीक है हमारी फ्यूचर की गोइंग टू स्ट्रक्चर के साथ अच्छी प्रैक्टिस हो गई है होपफुली कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा अच्छा अब एक क्विक रिकॉल है पिछली बार भी मैंने आपको अच्छा मुझे ये बताइए सिंपल प्रेजेंट मैंने कौन सी वेब से पढ़ाया था आपको ग्रामर मॉन्स्टर से ग्रामर मॉन्स्टर से पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट अच्छा ओके और सिंपल पास्ट की भी हमने वहीं से प्रैक्टिस की थी तो जरा जब सिंपल प्रेजेंट क्लियर है तो जरा लेट्स सी हम यहीं से इसमें कुछ प्रैक्टिसेस देखते हैं और होप के आप लोगों ने इसको 9th क्लास में भी ट्राई किया होगा नहीं किया तो मैट्रिक क्लास में जरूर कर लीजिएगा दैट आर वेरी इजी एक्सरसाइजेस सिंपल प्रेजेंट ठीक है ये देखिएगा ये सिंपल प्रेजेंट का कौन सा स्ट्रक्चर है बताएंगे मुझे जरा इज इट अ फिश ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इस पे सिंपल प्रेजेंट का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इस पे हाँ इंटरोगेटिव है अब्दुल्ला शफाक और फॉर्मूला स्ट्रक्चर दो फॉर्मूला स्ट्रक्चर
यस रियाज इंटरोगेटिव तो है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है? हमने सिंपल प्रेजेंट के दो स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। अच्छा जनाब, अच्छा मैं आपको एक और दिखा देता हूं। लेट्स सी, ही लुक्स आफ्टर सिक पीपल, he usually gets up at 6 o'clock, है ना? He usually goes to work by train. ये भी structure है आपके पास और ये वाले structures भी हैं. What's the difference here? Is there any difference? कोई फर्क है इनमें? मोहम्मद रियाज, helping verb, subject और object? No, हमने ये तो नहीं पढ़ा था. Continuous तो नहीं है ये. Girls, क्या कहेंगे? राहत, very good राहत, perfect. You are absolutely right, Rahat. आप सही कह रही हैं, बिल्कुल. ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? स्टेट वर्ब के साथ है. देखें कैसे. Is it uppish? है ना? सब्जेक्ट है. It is uppish. मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं यहां ताकि आपको और अच्छे से बात समझ आ जाए. Look at this. It is a fish. It is a fish. ठीक है, तो इसमें it क्या है? Subject है. Is state verb है. और fish जो है वो noun है. अच्छा जनाब, अगर मुझे इसमें adjective भी बढ़ाना हो तो फिर क्या हो सकता है? Is it, it is a brown fish. Brown fish. अब इसमें ये brown क्या आ गया? Adjective आ गया. तो हम यहाँ adjective भी add कर देते हैं. ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. ठीक है, एक ये एक फॉर्मूला किसका होता है? ये सिंपल प्रेजेंट का एक फॉर्मूला है. ये सारी एक्सरसाइजेस इसी फॉर्मूले के तहत होंगी. ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले के तहत होंगी. सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, एक फॉर्मूला ये है. दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, कोई बताएगा मुझे? कैन समवन टेल मी द सेकंड फॉर्मूला? Can someone please write down the second formula? जो दूसरा formula है simple present का ही, वो क्या है? Very good राहत, very good रबिया राहत. Yes, absolutely. जो second formula है वो क्या है? Yes, तजीन जहरा, perfect. तो दूसरा फॉर्मूला जो सिंपल प्रेजेंट का है वो है दिस वन. सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इजाफी जुमले को. जो अभी मैं सेंटेंसेस पढ़ रहा था वो इस फॉर्मूले पर बने हुए हैं. अब जब ये चीजें क्लियर हैं तो आप ये एक्सरसाइज बड़ी इजीली कर सकते हैं. मैं सारी एक्सरसाइजेस तो नहीं करवाऊंगा आपको, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस. ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये एक्सरसाइज समझकर हम, ठीक है, तो लेट्स सी. ये तो बड़े आसान से हैं. आर दीज टोमेटोज, व्हाट आर दे? दे आर फ्लावर्स, है ना? इज इट अ रेडियो? नो इट इज नॉट. व्हाट इज इट? इट्स अ टेलीविजन. कर सकते हैं ये डिस्कशन, बड़ी आसान है ये दो, है ना? एक आधी करवाऊंगा इसमें से ताकि सेंस क्लियर हो जाए, देन विल मूव फॉरवर्ड, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, आगे वाली कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे. ओके फाइन, ठीक है, चलें, वो भी नहीं लिख रहा मैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट नेक्स्ट. आर ट्रीज ग्रीन और ग्रे? क्या आंसर हो सकता है इसका? यस, अच्छा
ये क्या बच्चों की तरह एक ही वर्ड आंसर देंगे क्या? ट्रीज आर ग्रीन, यस ट्रीज आर ग्रीन, ठीक है ट्रीज आर ग्रीन। ये आपके नोट्स में ना ये एक्सरसाइजेस मौजूद है और आप कोशिश कीजिएगा कि इनको सॉल्व कर लें, बहुत आसान है। देखें ये डायलॉग्स जो है आपके पास, जो क्वेश्चन है हाउ टू राइट अ डायलॉग, तो इस तरह सोफी और जॉर्डन टू फ्रेंड्स में डायलॉग्स हो रहे हैं, सोफी और जॉर्डन, ठीक है सोफिया जॉर्डन और हेक्टर तीन फ्रेंड्स हैं, इनमें डायलॉग्स हो रहे हैं। आई एम सोफिया बर्जर, आर यू जॉर्डन टर्नर, यस आई एम, आर यू इंग्लिश, हेक्टर इज, आई एम फ्रेंच, आर यू फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यस आई एम हेक्टर, आर यू फ्रॉम लंदन, यस आई एम, आर यू फ्रॉम कैलिफोर्निया, नो आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी, इज लंदन अ बिग सिटी, यस इट इज अ बिग सिटी, Sophia, are you from Lyon? Yes, I am from Lyon. Is Lyon near Florence? No, it isn't. Florence is in Italy. So, sense kya hai? No trees are not grey, they are green. Yes, very good. Sayyed Rahat, ye complete answer hai. Very good, shabash. Let's see. तो ये डायलॉग्स हैं और इनकी बेस पर आप क्या कर सकते हो, इनकी बेस पर आप ये वाली एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हो। और पता है क्या, जितना आप इसको परफेक्शन के साथ करोगे ना उतनी आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी और आपको कहीं कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस, अ गुड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, याद रखें जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा आप परफेक्ट होते चले जाएंगे ग्रामर में, ठीक है। ग्रामर इज नॉट अ हवा, डर और कॉफ नहीं खाना चाहिए ग्रामर से, इट कैन पॉलिश योर स्किल्स। ये तो मैंने आपको नाइन्थ क्लास में भी होपफुली करवाया था, रिमेंबर ये वाली एक्सरसाइज, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो ये आपको बड़ी हेल्प करेगी। अगर किसी कोई भूल गया है तो वो उसको कर ले। अभी हमने कंटीन्यूअस नहीं पढ़ा, ठीक है, तो अभी हम प्रेजेंट मतलब मैट्रिक क्लास में नहीं पढ़ा, नाइन क्लास में तो पढ़कर आए। और यहाँ आपने इसको मैच करना है, व्हाट डज एलन डू, एलन इज अ लॉरी ड्राइवर, इसी तरह हाउ ओल्ड, ये सारी चीजें यहाँ मौजूद है। यहाँ आपने क्वेश्चंस फॉर्मेशन करनी है जूडिट के लिहाज से। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको बड़ी हेल्प करने वाली है सिंपल प्रेजेंट के लिए, ठीक है। ये थी, मैं अब सिंपल पास्ट के लिए बात कर रहा हूँ ताकि उसका भी एक रिव्यू हो जाए, फिर हम ये दोनों को ना ऑनलाइन एक्सरसाइजेस दे देंगे, कुछ ऑनलाइन एक्सरसाइजेस। तो इस तरह आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर पूरा हो जाएगा। अच्छा, मैंने सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड कुछ और समझाया था आपको, डिड आई टीच यू एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू सिंपल प्रेजेंट, कोई मुझे बताएगा क्या समझाया था? सिंपल पास्ट टेंस, ओके, वर्कशीट नंबर 5। ओके जनाब, आई गॉट इट। कल है ना अब्दुल्ला अशफाक, कल टेस्ट है ना आप लोगों का, आपको वो शेयर तो की गई है अपडेटेड डेट्स। ओके जनाब, लेट्स सी बी वर्ड सिंपल पास्ट टेंस। Can you help me out to do that? Badi easy exercise hai, worksheet number 5. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quickly answer de de, main write nahi kar raha isme, just
वेदर वॉज वेरी हॉट लास्ट संडे लास्ट सैटरडे ठीक है. द स्टूडेंट्स वर एट द थिएटर लास्ट नाइट ठीक है. बैटी नंबर के साथ बताएंगे तो इजी होगा. नंबर के साथ बताइए. द वेदर वॉज बैटी वॉज सही है. द बैटी वॉज इन जर्मनी लास्ट समर ठीक है. माई ब्रदर एंड आई नंबर फाइव. माई ब्रदर एंड आई वर एट द फुटबॉल स्टेडियम ऑन सैटरडे. नंबर सिक्स. नो नंबर सिक्स वॉज इट कोल्ड यस्टरडे. वॉज पहले आएगा. इट वॉज नहीं होगा अब्दुल अशफाक. वॉज इट क्योंकि क्वेश्चन है ये. जब क्वेश्चन होगा तो स्टेट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. वॉज इट कोल्ड यस्टरडे ठीक है. अच्छा जनाब क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जरा क्विकली करेंगे. टुडे और यस्टरडे. टुडे आज प्रेजेंट टेंस है सारे के सारे और ये पास्ट टेंस बनाने जा रहे हैं. आई एम एट होम. आई वॉज एट होम. जेन एंड माइकल आर टायर्ड क्या होगा. वेरी गुड राहत. जेन एंड माइकल वर टायर्ड. यस एब्सोल्युटली. शी इज इन द पार्क. नंबर टू. शी वॉज इन द पार्क. यस अब्दुल्ला शाह तीन बार आखिरकार फाइनली राइट कर दिया. शी वॉज इन द पार्क. परफेक्ट. ओके हानिया अल्तमश. यस जेन एंड माइकल वर टायर्ड. वर की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना हानिया. डब्ल्यू आर. इट वॉज अ सनी डे. यस इट वॉज अ सनी डे. इट इज अ सनी डे. अच्छा इसमें ट्रांसलेशन में क्या फर्क होगा. इट इज अ सनी डे. आज धूप निकली हुई है. आज का दिन गर्म दिन है. और इट वॉज सनी डे कल का वो कल जो दिन था धूप का था या गर्म दिन था टाइम गुजरने के बाद. यू आर लेट तुम देर से आए हो. यू आर लेट तुम देर से आए थे. ट्रांसलेशन में भी फर्क पड़ा. दे आर एंट हंग्री. दे आर एंट हंग्री क्या होगा. दे वर एंट हंग्री. वर नॉट की कंट्रेक्शन है. वर एंट. Yes, yes, yes. Number six. They aren't hungry. We aren't work. अच्छा, I'm thirsty. Thirsty किसको कहते हैं? प्यासे को. I'm not thirsty, Hania. Are you sure? हम इसके past बना रहे हैं. Hania, क्या गलती हुई है? I wasn't thirsty. मैं प्यासा नहीं था. Thirsty. I wasn't thirsty. ठीक है? I was not. सॉरी आई एम थर्स्टी मैं प्यासा हूं. आई वॉज थर्स्टी मैं प्यासा था. नॉट नहीं है यहाँ कहीं भी. नॉट नहीं है यहाँ तो हमने भी नॉट नहीं लगाना. आई एम थर्स्टी. आई वॉज थर्स्टी. अच्छा नीचे वाला. यू आर एंट एट स्कूल. यू वर एंट एट स्कूल ठीक है. यू वर नॉट. वी आर एट द सिनेमा. वी वर एंट एट. वी वर एट द सिनेमा ठीक है जनाब. नंबर 10. Paula isn't happy. आप समाना कर लें. समाना isn't happy. क्या होगा. Very good. Paula wasn't happy. ठीक है. तज़ीन ज़हरा. Yes, absolutely. I'm not afraid. Oh, everyone is excited. क्या होगा. Everyone was excited. पूरा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा अंबार. Very good. Yes, yes, yes. Very good, Zavasham. I'm not afraid. Try again. I'm not afraid. I was not afraid. Yes, Ammar, Tazeen Zahra, Zavasham, and Munazza, Zainab Parveen,
मानूर, हानियाल तमश, चलो जनाब ये वाली एक्सरसाइज करो, यहां बताओ क्या आएगा। मैं इसको नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री कर रहा हूं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ओ गलत हो गया थोड़ा, नाइन यहां आएगा, नाइन टेन अलेवन एंड ट्वेल्व। चलें जनाब, नंबर वन का आंसर बताइए, व्हाट वाज इट लाइक। ठीक है, नंबर वन वाज आएगा। अच्छा, वाज व्हाट, व्हाट वाज इट लाइक ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिल, इट वॉज अ टेरेबल टाइम। नंबर टू में भी वॉज आएगा, ठीक है। आई वॉज अ यंग मैन, नंबर थ्री में भी वॉज आएगा, सो आई वॉज इन द आर्मी। फोर में भी वॉज आएगा, वी वर इन इटाली। फाइव में वर आएगा, परफेक्ट वी वर इन इटाली। सिक्स में बताइए, वेयर वर योर वाइफ एंड चिल्ड्रन, दो की बात हो रही है, वाइफ और चिल्ड्रन। They dash in London. Number seven. They were in London. Number seven. Yes, very good. That dash dangerous too. Number eight. That was dangerous too. Yes, absolutely. Yes, you're right. The children, their dash bombs and their number nine batayega. There were bombs and there was not a lot of food. 10 mein kya aega? There was, 10 mein was aega. Yes, 9 mein were aega. 10 mein kya aega? 10 mein. There was not a lot of food. The children, 11 mein bataiye. Yes, Rabia, Nabira, Zainab, Manur, Tazeen, Zarvasham, Monazza, Altamash, Hani Altamash, Mahnoor. Boys, tumhare reply kahan hai? Sayyed Rahat, Ammar. Okay, Zanera Rahman. Yes, the children were very hungry and they were very frightened. Yes, absolutely. 12 में भी वर आएगा. So if you have a clear understanding, आपने अगर grammar पढ़ी है properly, तो फिर आपको कोई problem नहीं होनी चाहिए. और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 क्लास में एक एक चीज कवर की थी और बहुत अच्छे से की थी. अच्छा, अब जरा सुनो, मैं जबकि हम सिंपल प्रेजेंट भी कर चुके हैं, सिंपल पास्ट भी कर चुके हैं, सिंपल फ्यूचर भी कर चुके, तो मैं तुम्हें आज जो है वो एक और चीज करवाने जा रहा हूं. और जब तक ये एक्सरसाइज जी पढ़ो और ये चार सवाल के क्वेश्चन के आंसर दो, मैं मीनवाइल तुम्हें एक टॉपिक बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, और एक वीडियो वॉच करवा रहा हूं.
ओके आई एम शेयरिंग अ वीडियो विद यू. चलें जनाब मैं आपको एक वीडियो वॉच करवा रहा हूं. वॉच दिस वीडियो केयरफुली और उसके बाद फिर हम जो आपने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा है ना उससे रिलेटेड एक चीज समझेंगे. ठीक है चैलेंज जनाब सी दिस. ओके डिड यू गेट दिस स्क्रीन. ओके आई एम प्लेइंग इट. अच्छा इसमें वॉइस नहीं है जरा देखिएगा. जीरो कंडीशनल टेंसेस. लेट मी टेल यू द यूज ऑफ जीरो कंडीशनल टेंस. कहां हम जीरो कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं. दे आर यूज टू मेक स्टेटमेंट्स अबाउट द रियल वर्ल्ड एंड ऑफन रेफर टू जनरल ट्रुथ सच एज साइंटिफिक फैक्ट्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन. उसमें हम जीरो कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है जब भी कभी हम साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हैं और वो बेस कर रहे हैं किसी कंडीशन पर तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में बनाते हैं और जीरो कंडीशनल बोलते हैं. सी दिस. जनरल ट्रुथ फैक्ट्स. हाँ बताओ जल्दी से आप लोग बना सकते हो इसका सेंटेंस. बड़ा इजी है कंडीशन की बेस पर बनाओ क्या बनेगा. सिंपल प्रेजेंट यूज होगा. चलो मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए. आई एम टेलिंग यू द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या है जीरो कंडीशनल का. स्ट्रक्चर देखिएगा जीरो कंडीशनल स्ट्रक्चर है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा सिंपल प्रेजेंट. आप बना सकते हैं इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा सिंपल प्रेजेंट. ये स्ट्रक्चर है. क्या ख्याल है. बड़ा आसान है. अच्छा मैं उर्दू बोलता हूं शायद आप गेट कर लें और बना सकें. अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघलती है. नो उमर हाफिज उमर नो. अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघलती है. कैसे बोलूं. स्ट्रक्चर सामने. वेरी गुड अमार और वेरी गुड रबिया. बस बर्न की जगह हीट कर लो. हीट कर लो. इफ यू हीट आइस सी दिस. इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी है ना. इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. ठीक है This is the right answer. अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघलती है. If plus simple present देखें. If you heat ice, you heat ice ये भी simple present है. It melts ये भी simple present है. और simple present आप already पढ़ चुके हैं. अगर दो simple present को मिला दें if के साथ तो वो क्या बन जाता है. Zero conditional बन जाता है. और इसमें हम facts और general truths बयान कर रहे होते हैं. ठीक है चलें जनाब आगे देखते हैं.
क्या होगा बताओ? What is the form of zero conditional tense? A plus simple present or simple present? यही structure बताया? ये उल्टा भी हो सकता है, ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है? ये उल्टा भी हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट पहले if बाद में और फिर सिंपल प्रेजेंट, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि बाद वाले स्ट्रक्चर में कॉमा नहीं आएगा। इफ क्लॉज और ये क्या है, मेन क्लॉज या रिजल्टेंट क्लॉज। डन, ये वॉच कर लिया। अब मैं आपसे एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जहां कुछ ऑनलाइन एक्सरसाइजेस मौजूद हैं जिसमें आपको हेल्प मिलेगी और यू कैन डू इट इजीली। अच्छा, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए, आई विल ट्राई टू फिनिश इट विद इन टाइम। चलिए जनाब, देखिएगा अब आपके पास ये एग्जांपल मौजूद है। सप्लाई अ सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट, जीरो कंडीशनल की एक्सरसाइज है, जीरो कंडीशनल की एक्सरसाइज है, ठीक है? grammarbank.com वेबसाइट का एड्रेस है, इफ क्लॉज क्विज मौजूद है, इफ क्लॉज क्विजेस हैं ये, ठीक है? यानी कंडीशन जो है उसमें लगाना है आपने, क्या होगा? चले आंसर बताइए। इफ इट डजेंट क्या लगाना चाहिए? नंबर वन, अच्छा नंबर के साथ बताइए। इफ इट डजेंट रेन प्लांट्स कैन नॉट ग्रो, अगर बारिश नहीं होती है तो पौधे नहीं उग सकते हैं, नहीं उगते हैं, ठीक है? इफ आई क्या होगा, ट्राई होगा या ट्राइज होगा, देख लें गौर से। आई के साथ एस और एस नहीं आता है नवीरा। इफ आई ट्राई टू कुक आई रुइन द फूड, है ना? मैं अगर मैं खाना पकाऊं तो मैं जला देता हूं, अगर मैं खाना पकाता हूं तो मैं जला देता हूं, खराब कर देता हूं खाना। इफ यू स्मोक, अगर तुम सिगरेट पीते हो, योर स्किन क्या होगा? नंबर थ्री, एजेस झुरियां पड़ती हैं स्क्रीन पर, स्किन पर झुरियां पड़ती हैं, योर स्किन एजेस। इफ यू हीट आइस क्या होगा? नंबर फोर, अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वो क्या होती है, पिघलती है। टेंस का तर्जुमा भी ध्यान में रखिएगा, ट्रांसलेशन भी। आई फील गुड इफ यू विजिट मी रेगुलरली, मुझे अच्छा लगता है अगर तुम मुझसे मिलते रहते हो। वॉटर एवोपरेट्स इफ यू बॉयल इट, बॉयल एसओ एस तो नहीं लगाना, यू आ रहा है ना, यू के साथ एसओ एस नहीं आता है। डैरन क्या होगा, डैरन नाम है, साइकिल्स, डैरन साइकिल पर काम पर जाता है अगर मौसम अच्छा होता है, साइकिल्स। आई फील सिक इफ आई ईट टू मच चॉकलेट, ठीक है? अच्छा, यू नीड टू टेक माई सिस्टर टू द हॉस्पिटल इफ शी ड्रिंक्स, ड्रिंक्स इफ शी ड्रिंक्स मिल्क एज शी इज एलर्जिक टू इट। इफ एंडी गोज टू बेड लेट यू कैन नॉट, ही कैन नॉट वेक अप। चलें चेक करते हैं अपनी वर्कशीट, चेक करते हैं क्या गलती कर दी हमने, कौन सा गलत हो गया। ये बता रहा है 9 स्कोर, करेक्ट आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी तो करेक्ट हैं। टाइपो एरर आ गया शायद कोई, नंबर 9 में। ओ नहीं ना, ईड ही आएगा। आई फील सिक इफ आई ईट टू मच, ईड ही आएगा। ओ सॉरी, हाँ मेल्ट्स आना था मैंने गलती से, हाँ टाइपो एरर, मेल्ट्स ऐसा आना था ना, इट है ना पीछे, हाँ सही है, परफेक्ट हो गया।
10 आउट ऑफ 10 आ गए। यहां और भी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, ठीक है। ये इफ क्लॉज वाली थी ना, अब कंडीशनल क्लॉज वाली भी हो सकती है। इफ क्लॉज क्विजेस और भी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आप जीरो कंडीशनल मैं ये सेंड कर रहा हूं आपको, एक मिनट, ये मैं आपके ग्रुप में भी सेंड कर देता हूं। लेकिन अभी सिर्फ आप जीरो कंडीशनल कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट और सेकंड का समझाया नहीं है आपको, ठीक है। ये नहीं, ये लिंक भेज दी, ठीक है, और आपके ग्रुप में भी भेज देता हूं। ठीक है, दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों के ग्रुप में शेयर कर लिया मैंने। तो आप, हाँ ना, कल है ना, कल टेस्ट है राहत, कल हमारा टेस्ट है भाई। कौन कौन से टॉपिक जरा रिकॉल कर लें जल्दी से, कौन से टॉपिक का टेस्ट है कल? हमारा टेस्ट है इनहेरिटेंस का है, और रेलवे कैरिज, फ्रॉम रेलवे कैरिज। तो कल मिलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। कल टेस्ट की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।